टू आवर चैनल। तो आज से हम लोग जो है ना वीडियो हिंदी में शूट करेंगे, क्योंकि बहुत जन ने मतलब कमेंट में फिर कॉल करके पर्सनली भी बोला है कि हिंदी में शूट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको बंगाली नहीं आता समझ में, फिर है ना बाहर मैं जहाँ पे रही हूँ पहले वहाँ भी बंगाली तो नहीं आता सबको समझ में, तो इसीलिए हम लोग जो है वीडियो हिंदी में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी तो मतलब सबको समझ में आता है और हिंदी में जो भूल चुक होगी तो माफ कर देना। हम लोग इतना इतना अच्छा हिंदी तो हम लोग को आती है नहीं, तो जितना भी हो सकेगा हम लोग करेंगे, तो बाकी देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। तो आज हम लोग एक इटालियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं टोक्यो में, तो फर्स्ट टाइम जाएंगे एक्चुअली। वो आई थिंक मैं नहीं गई, तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा है, सब कुछ शूट करेंगे आज, ठीक है, तो फिर मिलते हैं वहाँ पे। आप ही फिलहाल जाएंगे नीचे, फिर वहाँ से वहाँ पे जाएंगे वो रेस्टोरेंट पे, ठीक है। हम लोग नीचे आ चुके हैं और अभी ना मैं उसको बता रही थी कि हम लोगों ने डे व्यू तो दिखाया आप सभी को कि हमारा सोसाइटी कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है, लेकिन शाम के टाइम में भी एकदम मस्त लगता है सोसाइटी, तो वही मैं आपको दिखाती हूँ। हम जो सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ पे मेनली जो है ना बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे आपको दिखने में, मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ वो सीन, बच्चे खेलते हैं शाम को, जैसे मैंने आपको कहा था इंडियंस बहुत मिलेंगे आपको दिखने में। चुके हैं जहाँ पे आने वाले थे ना, आपको दिखाती हूँ मैं रेस्टोरेंट, ठीक है। ये वाला भी एक दुकान है जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं, ये वाला पीकॉक स्टोर, और उसके एकदम ऑपोजिट में है ये दुकान। শুধু মানে কি সসেজ দেবে সেটা তো কথা, চিকেন না পর্ক না গরু না কি লেখা আছে আচ্ছা না সসেজ নিস না, তার বদলে অন্য কিছু নেই, অন্য কিছু নেই, পিজা পিজা নিয়ে নে একটা, কোন পিজা নিয়ে এটা সসেজ আছে কিন্তু আগেন কি সসেজ জানি না, মাশরুম অ্যান্ড ভেজিটেবল সালসা এটা নিতে পারিস। এই পিজা নিতে পারিস, মাশরুম আছে,
पेज नंबर इट एप्पल टू देखे ना की आचे इंग्रेडिएंट्स पिज़्ज़ा विद मशरूम एंड वेजिटेबल सालसा बिकॉज एखे ना सॉसेज आचे बट अगेन की सॉसेज तो जानी ना यस आई डू দাদা পিজা একটা নিয়েছিস তার অন্য কিছু দেখছিলাম আচ্ছা ইহা পে না অর্ডার করতে কি করতে হবে यहाँ पे ये जो मेनू कार्ड है ना इसमें बहुत सारे मेनूज़ हैं ना ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मेनूज़ हैं यहाँ पे तो क्या करना पड़ता है एक एक हर एक मेनू के पास एक मतलब नंबर होता है हर एक मेनू का एक एक नंबर होता है उस नंबर को ना यहाँ पे लिख के कितने क्वांटिटीज़ में हमको चाहिए वो लिखना पड़ता है ये उनको जमा करना पड़ता है फिर जाके आपका ऑर्डर मिलेगा ये सिस्टम है यहाँ अच्छा है ना कुछ ऑर्डर कर लिया हम बहुत सारे चीज़ ऑर्डर किया है आने दो फिर बताती हूँ कैसा है क्या है ठीक है खत्म कर पाएंगे खत्म हो जाएगा मुझे तो पता है चलो ठीक है देखते हैं अनलिमिटेड ड्रिंक बार है जहाँ पे मतलब बार इन द सेंस सॉफ्ट ड्रिंक्स ही मिलते हैं सारे लेकिन आपको हमने एक लिया है अनलिमिटेड करके तो जितने मर्जी आप यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो ले पाएंगे तो जैसे है यहाँ पे आइस वगैरह होते हैं ना आइस ले लिया आपने ठीक है लेने के बाद जो भी आपको पसंद होगा यहाँ से जिंजर है ले लो मेरे भी ड्राई मतलब क्या है ड्राई जिंजर है ना अच्छा यहाँ से आपको जिंजर है मिलेगा तो ये मैं ले लेती हूँ मैं जाती हूँ कि टेबल पे आप आ जाइए टेस्ट करके देखो सही है जिंजर जैसे सही मेलन फैंटा है मतलब उसने लाया मेरा जिंजर एल चुरा मैंने जिंजर एल लाया था मैंने जिंजर एल लाया था लेकिन इसने ना ये ब्लू मेलन फैंटा लाया तो ये ज़्यादा टेस्टी है इसलिए मैंने ये ले लिया सेकंड वाला क्या लेना है जल्दी यहाँ कॉफ़ी वगैरह भी मिलता है सारे जो आइटम्स हैं वो एक साथ सर्व करेंगे वो अच्छा है ना बैक साइड नीचे रख दो कि जगह ले सकते हैं कितना खाना ऑर्डर किया क्या बहुत लेकिन यहाँ पर खाना भी थोड़ा सा हल्का ही है बहुत स्पाइसी वगैरह नहीं और क्या है ना यहाँ पे मेरे को ठीक ठाक लगा लेकिन लाइक प्राइसिंग वगैरह भी सही है नहीं यहाँ पे जो मतलब बाहर के जो और भी दुकान होते हैं ना यहाँ पे जैसे आपको पता है यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होता है मतलब एक एक जन का ना अगर पेट भर के खाना हो तो 1,500-2,000 तक लग जाता है एक एक जन का तो उस हिसाब से ये रेस्टोरेंट थोड़ा सा मुझे अफोर्डेबल लगा खाना देखते हैं कैसा होता है अच्छा तो मेरे पति ने जो है पहली बार वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया था मैंने खाने का रिव्यूज़ भी दे दिया खाना ख़त्म होने को है तो ये स्पेगेटी है स्पेगेटी अच्छा बनाया है मैंने लाइट है बहुत चिकन मशरूम डाल के स्पेगेटी दिया है मुझे तो सही लगा और फिर श्रिंप दिया श्रिंप ये क्रिस्पी जो है ना बैटर में डाल के जो श्रिंप होते हैं उसके साथ मेयोनीज तो वो जैसा नॉर्मल होता है मुझे बहुत अच्छा लगा खाना ख़त्म होने को अभी मैं रिव्यू दे रही हूँ लेकिन अच्छा है अच्छा अभी नेक्स्ट खाना आ चुका है पिज़्ज़ा मंगवाया है चिकन मशरूम पिज़्ज़ा है और यहाँ पे
चिकन विंग्स को दिखा तो है कि ग्रिल वाला, लेकिन ग्रिल तो नहीं है, फ्राइड ही है ये वाला। खा के देखते हैं ठीक है। आप इन द मीन टाइम सब काट दोगे? मुझे चिकन विंग्स स्किन वाले बहुत पसंद है, इसको नहीं पसंद स्किन वाले चिकन, मुझे बहुत पसंद है। यम, केएफसी नहीं होता हमारे यहाँ पे, ऐसे ही लग रहा है, लेकिन उसे बेहतर बेहतर क्यों है, स्किन है ना तो बहुत जूसी होता है, मस्त है एकदम, भीतर वाला जूसी जूसी है और बाहर क्रिस्पी है। मैं मेयो वाला इंसान हूँ तो मेयो में डिप करके खाऊंगा। यहाँ तो स्किन खाते हो, स्किन तो तुम बोलते हो कि अच्छा नहीं लगता है, नहीं कोई चारा तो खाना पड़ेगा। मुझे बहुत पसंद है स्किन चिकन, पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा के जैसे ही होना चाहिए। मशरूम वाला पिज़्ज़ा है, मैंने कभी मशरूम वाला पिज़्ज़ा नहीं खाया। ओरेगानो चिली फ्लेक्स मिस कर रही हूँ मैं यहाँ पे। डांस थे एक्चुअली, थे कहाँ पे? ड्रिंक कॉर्नर पे, मैं देख के आता। वैसे सही है, मैं लेके आता। अच्छा, वो लेके आ रहा है, लेकिन थोड़ा स्पाइस कम है खाने की। यहाँ पे ना सब रेस्टोरेंट में जो है ना स्पाइस लेवल एकदम जीरो है, एकदम स्पाइसी नहीं आती। हॉट सॉस है, चिली फ्लेक्स मिल गया, इसके बिना फीका लग रहा था। अब लगेगा सेम, फिर भी ना कुछ मिसिंग सा लग रहा है मुझे, मज़ा नहीं है। कुछ तो बोल के गए तो मुझे समझ में नहीं आया। ऑन किया था रिकॉर्डिंग, तुमने हो रहा है ना रिकॉर्डिंग, होना तो चाहिए। मैंने उनको यहाँ पे वो आई सर्व करने के लिए, कुछ तो बोल के गई, मैंने ऐसे ऐसे किया, वो भी हंस के चली गई, तो मैं सबको वही बता रही थी, कुछ तो बोल के गई जो मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे ही मुंडी हिला दिया। तुम ये पियो या फिर ये पियो और चिल मारो, बाकी मैं देखता हूँ। वो देखे गई वो, अच्छा वो बिल है ठीक है, ये लाल वाला मेरा, ये वाला तुम्हारा। मेरे को ना इस पिज़्ज़ा में वो किक नहीं आ रहा है, हल्का पिज़्ज़ा ना वो, हल्का पिज़्ज़ा है तुम्हें जो चाहिए ना वो डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाला है। हमारे इंडिया का यहाँ पे डोमिनोज पिज़्ज़ा का नहीं मिलेगा, मेरे को ये वो पिज़्ज़ा वाला किक नहीं आ रहा। तो खा लो, चिकन नहीं मिलने वाला नहीं,
मैंने कहा क्या? ये बहुत अच्छा है चिकन। वेटर का काम आसान कर दिया। अच्छा ये है ग्रिल चिकन विद चीज, मेरा फेवरेट कॉर्न है, टोमेटो चीज सालसा। ये चिकन ग्रिल्ड वाले हैं, ये पोटैटोज है, कॉर्न है, और ये शायद सॉस वगैरह कुछ है। सालसा सॉस, सॉस को मैं पहले अलग से खाती हूँ। खा के टेस्ट करो, पसंद है कि पसंद नहीं है ना, मत खाओ। बताती हूँ कैसे टेस्ट है इसका। बहुत जाना पहचाना सा टेस्ट है ये ना, ऐसा लग रहा है सॉस में किसी ने कॉफ़ी मिला दिया। सॉस में कॉफ़ी का स्मेल नहीं आ रहा है तुमको? हॉट सॉस, नहीं हॉट सॉस नहीं है, कोई आइडिया नहीं था। पसंद नहीं तो मत खाओ ना, जो पसंद है वो। आलू, आलू जैसा खाने में है? ये भुने हुए आलू हैं। भुने भी नहीं है, फ्राइड है। मतलब बताती हूँ, पहले पोटैटो को बॉईल करके मतलब तेल में ऐसा फ्राई नहीं होता है, वो वाले है। टेक्निकली साइजरे हेल्दी खाने के लिए जाना है। ये काफ़ी हेल्दी है, तो मुझे पसंद आया क्योंकि ये ग्रिल्ड विद स्किन है। पोटैटो शर्माओ मत। नहीं शर्मा, मैं बस तुम्हारे इसका मेन डिश खाने का वेट कर रहा हूँ। तो इधर बात करती हूँ, नहीं तो अटैक हो जाएगा। ये आलू ना, मैं वैसे भी घर में जब मतलब इंडिया में ना ऐसे हम खाते थे, हेल्दी होता है ये आलू। थोड़ा तेल में मतलब पहले ना इसको बॉईल किया जाता है क्योंकि तेल कम लगता है, फिर उनको फ्राई किया जाता है। यहाँ पे नाइफ तो है नहीं। श्योर जमीन पर नाइफ होता है? ठीक है, इससे हो जाएगा, फॉर्क से हो जाएगा। ये रहा नहीं, बिना देखे बोल दिया। अब भी कैसे देखनी मुझे हाउ कम मुझे रिव्यू देना है ना, तो सही से। हाँ तो तुम रिव्यू दो ना, मुझे बस थोड़ा सा चीज़ लेना है। वो गम है, पता है, फूक फूक कर लो थोड़ा सा, और थोड़ा कर लो, ज़्यादा गर्म हो गया। चटनी में डुबा लो, ड्रिंक पी लो सब, जैसे कि गर्मी कम करो। बताओ मैं आपको कैसा है खाने में। स्टीम्ड चिकन लो नमक के बिना, ठीक है, ग्रिलर में घुसा दो, ऊपर चीज़ दे दो, वही है। टोमेटो भी है, तो टेस्ट नहीं आ रहा है, खाते देखो। पता है मैंने कल भी खाया है इसे, मतलब चिकन का स्वाद, सिर्फ चिकन का, रॉ चिकन को ग्रिल कर लो,
नमक के बिना, मसाले के बिना काट। तो कसरत देखनी थी ना, अब तुम करो कसरत। मैंने कर ली ना, मैंने अपनी कसरत कर ली। चलो मीठी यहाँ पर चीज़ में खुद का सॉल्ट नहीं होता है, एक सॉल्टी होता है ना चीज़, उतना ही सॉल्ट है। खाना वाना हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अगर बोलूँ कैसा एक्सपीरियंस था यहाँ पे आने के बाद से ना, मुझे तीन खाने बहुत पसंद आए हैं। एक है पकोची जो बहुत स्पाइसी है, एक है रामेन, मुझे बहुत मस्त लगता है रामेन, मतलब वो पैकेट रामेन नहीं, वो रामेन शॉप में जाके जो रामेन खाते हैं ना वो रामेन, और एक सुशी, ये बहुत पसंद आए। हाँ, उसके अलावा मैंने जो भी यहाँ पे ट्राई किया ना, मुझे बहुत फीका लगता है खाना, मतलब तेल नहीं है, अनियन नहीं है, गार्लिक नहीं है, मिर्ची तो है ही नहीं, मतलब इनके डिक्शनरी में मुझे लगता है कि मिर्ची नहीं है एकदम, नमक भी ना के बराबर, मीठा तो ये लोग खाते नहीं। वरना 100 साल कैसे जिएंगे? वो है देखो, हेल्दी तो है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी है। यहाँ पे एक आने के बाद से कुछ भी ऐसे होता है ना कि पेट का प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा नहीं होता, ये सही है। लेकिन वही मज़ा नहीं आता है, रामेन बहुत मस्त है, मैंने यहाँ पे रामेन खाया। सोसो लगा, सही बताऊँ तो मुझे ज़्यादा सुशी ज़्यादा पसंद है, और कोकोइची तो बहुत पसंद है। कोकोइची, रामेन और सुशी, ये तीन चीज़ मस्त है यहाँ पे। और तो ओकोनोमियाकी नहीं खाया अभी तक, नहीं अभी तक, मतलब नहीं खाया मैंने, मैं मुझे एक महीना भी नहीं हुआ ना मैं यहाँ पे आई हूँ, तो उस हिसाब से जो 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 चीज़ मैंने खाया उस हिसाब से ये सारी चीज़ अच्छी है। और ये वाला जो खाया आज वो सोसो है। साइजीरिया जनरली लाइक इटालियन गरीबों का खाना वैसे का अच्छा है, सही से बताओ तो साइजीरिया थोड़ा सस्ता मतलब, रेंट में आता है। हाँ वो अफोर्डेबल है, एग्जैक्टली अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन इतना मज़ा नहीं आता है। चलो ठीक है, हो गया डिनर, अब जाएंगे घर, जाके करेंगे घूमी घूमी, यहाँ पे तो बहुत रात है अभी, कितना बज रहा है? बहुत नहीं, मतलब इंडिया के हिसाब से तो रात ही है, बज रहा है 9 बजे, 9:05 है यहाँ पे, और इंडिया में, इंडिया में अभी 5:35, 5:35 ऐसा, ठीक है। तो फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करें क्या? जरूर, ठीक है। तो ये वाला व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे बहुत जल्दी, और कुछ मज़ेदार व्लॉग के साथ मिलेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।